रुड़की के गुलाबनगर मोहल्ले में बुधवार देर रात एक कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान हादसे में 65 साल के चौकीदार अयूब की जिंदा जलकर मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आग लगने से कारखाने के पास बने मकान में भी दरारें आ गई है। जानकारी के अनुसार गुलाबनगर मोहल्ले में सरफराज पुत्र कयूम का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सामान बनाने का एक कारखाना है। कारखाने में बुधवार देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एनके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।